हमारे साथ आज हमारे शो पे कुछ ऐसे ही गेस्ट हैं। जाहिर है मैं सबको तो नहीं बुला सकती, लेकिन जितना इन ढाई घंटों में हम एक दूसरे के लिए बात कर सकते हैं, वो सारे गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ARY के टॉप ड्रामों में काम किया है और वो टॉप ड्रामे आपने बनाए। रेटिंग्स के थ्रू हमने ये जाना कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं अगर लिस्ट गिनना शुरू करूं तो ARY के जो टॉप ड्रामाज हैं उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा जिसका जिक्र मैं अभी करना चाहूँगी और जिसकी मेन लीड हीरोइन इस वक्त मेरे साथ यहाँ शो पे मौजूद हैं, इनके बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगी जी। 2013 में इन्होंने अपना डेब्यू परफॉर्मेंस दी और उसके बाद आपको ARY की एक हिट ड्रामे में नज़र आई, सुन यारा। उसके अलावा ARY पे, और क्योंकि वैसे भी काम बहुत कम करती हैं ये, ARY पे दूसरा जो ड्रामा है उन्होंने किया खुदा ना की करे, लेकिन सुन यारा जो है उन्होंने रेटिंग्स के रिकॉर्ड कहते हैं ना कि ब्रेक कर दिए और इनको बड़ी कामयाबी मिली उस ड्रामे के थ्रू। आइए, ARY से जो इनका कामयाबी का रिश्ता जुड़ा है, हम आज के दिन इनको बुलाना बहुत खुशनसीबी समझेंगे। वेलकम करते हैं, इससे पहले कि मैं उस एक्ट्रेस को बुलाऊं मैं उनका पैकेज दिखाऊंगी, वेलकम करते हैं ज़र्निश खान। बहुत प्यारी लग रही हो लाली। थैंक यू। वाओ, बहुत प्यारा है ये। थैंक यू। डलना मत तुम, उसको तंग करने से बाज नहीं आ सकते। बिगाड़ा क्या उसे तुम्हारा, हर वक्त हाथों के पीछे पड़े रहते हो। और तुम्हें मैंने टेलर पे जाने के लिए कहा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? कसम से लाली, बहुत भूख लग रही है, ईमान से। ये जिस रफ्तार से आप खाना खा रहे हैं ना, बहुत जल्द आपकी तोन निकल आनी है। किसी ने तुम्हें अपनी लड़की नहीं देनी, फिर सर पकड़ के ना रोते रहना सारी जिंदगी। कितना अच्छा लग रहा है लाली, है ना। आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ ARY की 21वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ज़र्निश खान। आपकी थीम के हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए, कहाँ बैठेंगी आप? मैं कि कौन से सन में किया था सुनियारा? आई थिंक सुनियारा 2016 में हुआ है। अच्छा, हाँ 2016 में हुआ है। और जिस जमाने में सुनियारा हुआ था मुझे याद है, बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आया था उस ड्रामे का, सीरियल का। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था खुद? यार, वी वर एक्चुअली, जब मैंने ये ड्रामा में कर रही थी तो वो इट वाज जस्ट वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, यू नो, आप एकदम से स्क्रिप्ट की पोटेंशियल नहीं आपको पता चलती जब आप कर रहे होते हैं। बट एज सून एज द फर्स्ट एपिसोड वेंट ऑन एयर, उसके बाद पता चला कि पीपल वेंट क्रेजी, तो वो काफ़ी ओवरवेलमिंग भी था। एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर लविंग इट। So yeah, the experience has been absolutely amazing. Great, please have a seat. Thank you. Hi guys, it's me, Mini Butt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the ARY Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.